हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल गुरुकुल इन दिस वीडियो हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया की बहुत ही ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है एंड इट हैज अ वेरी वेरी रिच कल्चर इसको हम लोग रिव्यू करेंगे इसका हमने बीटेक ऑलरेडी रिव्यू कर लिया था अब हम लोग इसमें एम रिव्यू करेंगे कि इसके प्लेसमेंट फैकल्टी एक्सपीरियंस ऑल टूगेदर कैसा रहने वाला है

उसके बेसिस पे आपके पास कौन से करियर्स आपको चूज करने चाहिए यूनिवर्सिटी सिलेक्शन अगर आपको कॉलेजेस चूज करने मेंटोरशिप, अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है एंड यू वांट सपोर्ट इन दैट एंड जी डी पी आई ट्रिप मेंटोर इज मिस कृति एंड शी इज डन हर बी ए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा यूएसए एंड शी इज द डायरेक्टर ऑफ द फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ ओमाहा We'll इन ऑलरेडी का काफी हाई है तो हम लोग पहले इसको देखते हैं कब हुआ था? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये, ये होता? इसलिए होता है क्योंकि जितना पुराना कॉलेज होगा उतना उसका एक सिस्टम एक तो सेट होगा देर इज आर चांसेस की एडवांसमेंट रिसर्च वहां पर ज्यादा अच्छी होगी था और ये ट्वेंटी में एज यूनिवर्सिटी बन गया था तो 1920 तो फिर काफी टाइम हो गया है अगर जब ये अभी तक मतलब इट्स लाइक 80 90 इयर्स अब तो 100 इयर्स हो गए तो ये 100 इयर्स पुरानी यूनिवर्सिटी है तो ये काफी पुरानी है अगर हम इनके स्पेशल कोर्सेज की बात करें मतलब कि अगर जो मैंने इनकी इनकी फैकल्टी को समझा तो इस कॉलेज की इस यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है उनके लिए जो कोर्सेज स्पेसिफिकली मैं करूंगा वो स्टूडेंट आई बी में इंटरेस्टेड रहते हैं और थोड़ा सा आई बी ये भी है कि आपको या तो आप ऐसी जगह से करिए जहां पे आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो या तो फिर आप ऐसी जगह से करिए कि इन्वेस्टमेंट चाहे हाई हो लेकिन फिर वो टॉप का एकदम कॉलेज हो तो ये अच्छा कॉलेज भी है क्योंकि अभी आप इसकी रैंक देखेंगे और ये काफी अफोर्डेबल कॉलेज भी है क्योंकि इसकी फीस बहुत कम है तो जो इसकी रैंक है इसकी जो रैंक है एनआईआर uh, और याद रखिएगा एनआईआर बहुत अच्छा इंडिकेटर है और इसके थोड़े से चीजें बायसनेस में मतलब बायसनेस क्या इनके जो क्राइटेरिया है वो इस तरह के हैं कि अगर छोटा कॉलेज होगा तो उसकी रैंकिंग पीछे आने की चांसेस होते हैं इनकी अगर हम फैकल्टी की बात करें तो इनकी फैकल्टी में डाइवर्सिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है अगर हम इनके बी जैसे यू से कंपेयर करें तो डाइवर्सिटी थोड़ी सी कम है यहाँ पे बहुत से फैकल्टीज है जिनकी एक डिग्री ए से है आई आई से भी फैकल्टीज है जिन्होंने आई आई से पढ़ाई करी है और अगर आप इसको कंपेयर करें किसी और गवर्नमेंट कॉलेज से जैसे कि हरियाणा में कोई कॉलेज है जैसे देश बंधु छोटू राम है तो उससे अगर कंपेयर करेंगे तो इनकी फैकल्टी को जो मार्क्स मिले हैं दैट इज 16.27 16.27 और अगर जैसे मैंने बताया जनरली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जैसे कि हरियाणा के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या यूपी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एक बहुत ही जनरल मैं बात बता रहा हूँ वो ट्वेल्व के आसपास लाई करते हैं बी को छोड़ के बी एच यू को छोड़ के वो ट्वेल्व के आसपास पास लाई करते हैं तो ये सिक्सटीन पे इनकी फैकल्टी है तो इनकी फैकल्टी वैसे है भी बहुत अच्छी क्योंकि सब लोग पी एच डी करे हुए हैं बहुत से लोगों के पास कॉरपोरेट एक्सपीरियंस है वो लोग ने जो कारपोरेट में अगर काम किया है तो उन्होंने फिर वो कॉरपोरेट में इंडिया में भी अच्छे लेवल पे काम किया और कहीं कई लोगों ने बाहर भी पढ़ाया है इंडिया के एंड इंडिया के बाहर काम भी किया है तो फैकल्टी नो no डाउट इनकी काफी अच्छी है और अगर आप प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्लेसमेंट में जो इनके टोटल स्टूडेंट्स थे दैट वाज 85 दैट दीज आर द टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट में उनमें से 61 का प्लेसमेंट हो गया आ, थोड़ा सा ये हल्का सा कम हो जाता है दिस इज लाइक ये 60 परसेंट मतलब 50 परसेंट से तो ऊपर है फिफ्टी परसेंट के करीब करीब प्लेसमेंट हो जाता है थोड़ा ज्यादा ही आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से बट ठीक है क्योंकि यहाँ पे ये यह मैं इसलिए ठीक है कहूंगा इसको क्योंकि इसकी फीस जो आप दे रहे हो तो एक्चुअली कुछ भी नहीं फीस दे रहे हो आप तो अगर आपको यहाँ मिल जा रहा है तो वाई नॉट ये लिया जा सकता है तो उसकी जो मीडियम सैलरी है वो 4.8 पॉइंट एट लैक्स पर है ना मैं मीडियम सैलरी का मतलब है कि अगर मैं ये देखूं कि 60 लोग हैं तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको या तो 4.8 पॉइंट की सैलरी मिली है या फिर 4.8 पॉइंट पर एन एम प्लस सैलरी मिली है ठीक है ऐसे लोग हैं तो ये काफी अच्छा एक हो जाता है और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इसके बहुत नीचे तक सैलरी चलती जाएंगी ये उन कॉलेजेस में से नहीं है कि जिन्हें बहुत से लोगों को टू लैख या यू नो वन लैख वन पॉइंट एट लाख की सैलरी मिल रही ऐसा नहीं है ज्यादा से ज्यादा मिनिमम सैलरी हो सकता है थ्री पॉइंट फाइव के करीब गई हो ये मेरा एक अनुमान है बट ये बहुत नीचे नहीं जाएगी इस कॉलेज में सैलरी बहुत नीचे नहीं जाती हैं ठीक है थीके? तो ये उस मामले में बहुत अच्छा कॉलेज है एंड एंड इसका एलुमनाइ नेटवर्क एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एलुनाई एलुमनाइ नेटवर्क और इनके एलुमनाइज बहुत सारे हैं एंड ऑल ओवर वर्ल्ड है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड है तो आपको एक कनेक्शन रहेगा एंड इफ यू वांट टू नो सर्टेन इंफॉर्मेशन इफ यू वांट टू थिंक कि मैं बाहर जाके रहूं तो आपको एक गाइडेंस देने के लिए जो लोग होंगे इनके एलुमनाइज बहुत सारे हैं तो आर इनका बहुत ज्यादा हाई है कोई ही प्रॉब्लम इस चीज में नहीं है एक बार बस हम लोग देख लेते हैं कि यह जो है कंफ्यूज़ कन्फ्यूजी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है तो ये डिग्री नहीं है इनकी जो डिग्री है वो एएमयू से ही तीनों डिग्री है और एक डिग्री अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी एम अच्छा है और काफी इससे सिमिलर ही रहेगा और इन्होंने जो अपॉइंटमेंट दूसरा होल्ड किया वो आप देखिए तो तीन साल के लिए इन्होंने इंग्लैंड में भी काम किया जैसे मैं बता रहा था कि केवल ये फैकल्टी नहीं कई फैकल्टीज ऐसे हैं जिन्होंने बाहर भी काम किया है अच्छी अच्छी जगहों पे काम किया है एंड देन दिस इज अ अकेंड फैकल्टी इन्होंने पी जो किए है आई आई से करी है बट जो इन्होंने फर्स्ट डिग्री है वो इनकी एएमयू से है सेकेंड भी ए से है तो ये वो लोग देख सकते हैं जिनको लग रहा है कि नहीं हमें मे बी फैकल्टी बनना है तो आप अगर ए एमयू से कर रहे हो देन यू गेट अ चांस कि आप वहां पे फैकल्टी बनने के आपको थोड़ा सा एक एडवांटेज हो सकता है क्योंकि ये देखने में में लग रहा है सिमिलर कल्चर कई भी कि वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो कल्चर में फिट हो जाए कि उन्होंने आई से एक डिग्री की भी हो ऐसा वो लोग प्रिफर करते हैं ठीक है अब इनकी प्लेसमेंट्स अगर आप देखोगे तो आप देखिए एक तो कंपनीज अच्छी हैं बहुत छोटी मोटी कंपनीज नहीं आई हैं और यही होता है एक रेप्यूटेड कॉलेज का मतलब ठीक है चाहे प्लेसमेंट आई uh, आई जितना ना हो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर लैक्स बट यहाँ पे फिर इनको कंपनीज काफी अच्छी आ रही है एच डी एफ सी है आई टी सी सबसे बड़ी कंपनी है uh, ये मुझे दोनों नहीं पता है बट बर्जर हो गया आईसीआईसीआई हो गया एज हो गया इन्फोएज उनकी कंपनी है uh, शिक्षा डॉट कॉम नौकरी डॉट कॉम uh, फिर सऊदी अजीम टी सी एस बजाज अलायंस टॉपर जारो एजुकेशन एंड अगर आप सैलरीज भी देखने लगातार देखिए ये देखिए 3.5 के नीचे नहीं जा रही है 5.5 uh, है से 4.8 है एंड सो एंड सो फोर एक थोड़ी यहाँ पे कम है यहाँ पे बट यहाँ पे इंसेंटिव आ जाता है तो ये क्रॉस uh, कर ही जाएगा थोड़ा सा ये थोड़ा सा कम हो गया है बट दिस इज एक जाने को चलिए ये मिला है कितने लोगों को मिला है अच्छा, ये आठ लोगों को मिला है ठीक है मैं वो बात अपनी फिर भी उस पर रहूंगा ये फिर भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें लगातार दो लाख तीन लाख दो लाख तीन लाख रहता है ये उनमें से नहीं है प्लस उनके जो दो लाख तीन लाख रहता है जो प्लेसमेंट वो फिर बहुत जो काइंड ऑफ जॉब होता है बहुत स्टार्टिंग लेवल पे होता है जो एमबीए वाले प्रेफर नहीं करते हैं एंड कभी कभी वो बीपीओ में होता है जो फिर से एमबीए वाले प्रेफर नहीं करते हैं तो इनकी अच्छी खासी अच्छे खासे प्लेसमेंट्स हैं टॉपर में भी एक जने का हुआ है तो ओवरऑल 61% 61 पीपल प्लेस जो हमने अभी आगे देखा बाकी मैंने सारा इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है ये किस सिचुएशन में लेना चाहिए ये भी एक बात कर लेते हैं कि ये कब लेना चाहिए तो वेन टू चूज तो वेन टू चूज में ये है नंबर वन कि इफ यू थिंक कि आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं स्पेंड करना है

थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव लैक्स का तब मैं कहूंगा दिस इज डेफिनेटली बेटर क्योंकि टीचर्स बेटर हैं, एलिनाइन नेटवर्क बेटर है कंपनीज अच्छी आ रही हैं, बिल्कुल लिया जा सकता है तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करना है तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पी ही करनी है मुझे जाना तो फिर फाइनली अकेडमिक्स में देन अगेन इट इज नॉट नेसेसरी आप बहुत ज्यादा स्पेंड करें बिकॉज इनकी फैकल्टीज बहुत अच्छी